नमस्कार मित्रों एवं मित्रानियों, स्वागत है आप सभी का ट्रेंडिंग टॉपिक ज्ञान में। दोस्तों आप भी अगर एक पोको M3 का यूजर है दोस्तों, तो आपको भी वेटिक ड्रेन का प्रॉब्लम हो रहा है। दोस्तों अगर आप भी एक न्यू मोबाइल पोको M3 जो है दोस्तों, ये न्यू लॉन्च हुआ है दोस्तों, इसमें जैसे ही अपडेट आया, अपडेट के बाद आपको जो है, अगर अपडेट आप अब नहीं किया है उसके बाद भी आपके मोबाइल में दोस्तों वेटिक ड्रेन का प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको मैं 4 टिप्स बताऊंगा जिसे अगर आप अपने मोबाइल में इनेबल या टिप्स एंड टॉपिक्स को अगर आप अपने मोबाइल में फॉलो कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको वेटिक ड्रेन का एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जो मेरे नए मेहमान हो वो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 95% दोस्तों मेरा अनसब्सक्राइबर ही मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करते। इसलिए आप सभी से प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं कि सब्सक्राइब कर ले। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलते हैं आज की वीडियो की ओर। दोस्तों आप फर्स्ट गलती क्या करते होंगे दोस्तों, कि आप अपने मोबाइल को जैसे ही चार्ज में लगाते होंगे दोस्तों, तो आप 100% चार्ज करके उसके बाद ही अपने मोबाइल को खोलते होंगे दोस्तों। आपको 100% चार्ज कभी नहीं करना दोस्तों। आप अगर न्यू मोबाइल लिए हैं दोस्तों, तो आपको 100% चार्ज कभी नहीं करना है दोस्तों। आपको फुल चार्ज नहीं करना है दोस्तों, आपको चार्ज करना है, फुल नहीं करना है, आपको चार्ज करना है, आपको 90% या 95% चार्ज करना है। इससे क्या होगा दोस्तों, जैसे ही आप देखते होंगे 90% या 95% से ऊपर आपका मोबाइल चार्ज होने लगता होगा, तो आप देखिएगा आपका मोबाइल प्लस आपका चार्जर दोस्तों, आपका मोबाइल पे भी बुरा असर पड़ता है और आपका चार्जर पर भी बुरा असर पड़ता है, क्योंकि आपको फुल चार्ज होने में पूरा लोड पड़ता है, वही 5% या 10% चार्ज होने में आपके मोबाइल में पूरा लोड पड़ता है, उससे आपके चार्जर प्लस आपके मोबाइल पे पूरा बुरा असर पड़ता है दोस्तों। इसलिए आप कभी भी आप अपने मोबाइल को 100% चार्ज देते हो, उसके बाद अपने मोबाइल को चार्जिंग करते हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये भी आपका एक बुरा गलती है दोस्तों, आप अपने मोबाइल को 0% चार्ज ड्रेन नहीं होने दो। आप अपने मोबाइल को 20% या 25% पर जैसे ही आपका मोबाइल आया, आप अपने मोबाइल को फट से आप अपने मोबाइल को चार्ज में लगा दे, वही 90% या 95% चार्ज कर ले। उसके बाद मित्रों एवं मित्रानों, आप सभी से मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको लगता है ये टिप्स एंड टॉपिक्स जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों ये फेक है, तो आप दोस्तों आप सभी से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोस्तों आप अगर ये टिप्स को आप अपने मोबाइल में इनेबल करते हो दोस्तों, तो आपको यकीन मानिए दोस्तों, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ दोस्तों, आप यकीन मान के एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। देखने के बाद आप अपने मोबाइल में ये टिप्स एंड टॉपिक्स को आजमाइए, उसके बाद दोस्तों आप मेरे ऊपर यकीन करिएगा कि हाँ जो भाई आपने टिप्स एंड टॉपिक्स को बताए हैं वो 100% आपके मोबाइल में वर्क करता है दोस्तों। ऐसे मैं नहीं बोलूंगा कि 100% वर्क करेगा दोस्तों, आप खुद कमेंट करके बताइएगा हमको कि आप जो टिप्स एंड टॉपिक्स बताए हैं वो आप मेरे मोबाइल में 100% वर्क करता है दोस्तों। तो इसलिए आप दोस्तों जितना भी टिप्स मैं आपको बता रहा हूं, आप पूरा टिप्स को देख लीजिए, उसके बाद ही आप यहां से जाइए। आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप्स का अपने मोबाइल में यूज ना करें दोस्तों। थर्ड पार्टी ऐप्स कौन होता है दोस्तों, आप किसी भी गूगल या किसी भी वेबसाइट से आप कोई भी ऐप्स का यूज अपने मोबाइल में ना करें दोस्तों। जितना भी आपको अपने स्टोर पे ऐप्स मिलता है, आप सिंपली दोस्तों वही ऐप्स का यूज करें अपने मोबाइल में दोस्तों। अगर आप किसी थर्ड पार्टी ऐप्स का यूज करेगा तो आपको क्या करना दोस्तों, आपके मोबाइल में सेविंग मोड दिया दोस्तों, आप अपने मोबाइल में सेविंग मोड को हमेशा ऑन रखें दोस्तों। इससे क्या होगा दोस्तों, आपके मोबाइल में जितना भी अदरवाइज जो नोटिफिकेशन आते रहता है दोस्तों, आपके मोबाइल में वो सारा नहीं आएगा, और जो आपके मोबाइल के सिस्टम में दोस्तों बैकग्राउंड में जो कुछ से कुछ चलते रहता है दोस्तों, वो आपके मोबाइल में नहीं चलेगा। इससे भी आपके मोबाइल बहुत हद तक सेफ रहेगा दोस्तों। आपको क्या करना दोस्तों, आपके मोबाइल में डार्क मोड दे दे रहा दोस्तों, आप अपने मोबाइल में जब भी आप अपने मोबाइल का यूज कर रहे हैं दोस्तों, ऑफिस या घर में यूज कर रहे हैं दोस्तों, उस टाइम में आप अपने मोबाइल को डार्क मोड को हमेशा ऑन रखें। इससे भी आपके बैटरी पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है दोस्तों। इसलिए आप जितना हो सके दोस्तों आप डार्क मोड का यूज करें दोस्तों, इससे भी आपके मोबाइल में बहुत हद तक बैटरी का प्रॉब्लम। दोस्तों ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों पास, और हमारे चैनल ट्रेनिंग टॉपिक ज्ञान से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह से नए अमेजिंग थर्ड वीडियो आपको मिलता है और मिलता रहेगा। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।